हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आज हमारे पास सुजुकी जिक्सर बाइक आई है और जो कि आगे से आवाज़ कर रही है। ठीक है, आगे से जब हम पहिया रोलिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की आवाज़ है और कैलिपर कितना हिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, इनकी बाइक में टायर पंचर हुआ था और टायर पंचर होने के बाद में कुछ इस तरीके की इसमें आवाज़ आ चुकी थी। तो मैं एक बार और सुनाना चाहूँगा आपको। जब इसमें टायर पंचर हुआ था तो बाइक वालों ने क्या किया, जो पंचर वाले थे पंचर वालों ने पूरा टायर खोल दिया। उसके बाद इसमें आवाज़ आ चुकी है, तो काफ़ी लोगों को दिखाया इन्होंने। दिखाने के बाद में उन्होंने किसी ने कहा कि डिस्प्ले टेढ़ी है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन बट खोला किसी ने, ये मशीन किसी ने नहीं खोली। तो ये मशीन खोलते हैं, इसमें आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आवाज़ क्यों कर रही है। और ये पैडों में इतनी पिले है, देखो आप ये जो पैड है नीचे वाले पैड, ये पैडों में इतनी पिले है, इन्हीं की आवाज़ आ रही है। ये लूज़ क्यों पड़े हैं दोस्तों, ये डिस्क मशीन खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो कैलिपर खोलने के लिए मैंने ऑलरेडी टूल पकड़ रखा है, 12 नंबर की गोटी है ये। तो ये 12 नंबर की गोटी है, पाने से भी आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास पाना है तो पाने से भी खोल सकते हैं। चाबी से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये बोल्ट टाइट ही रहता है, तो इसलिए चाबी से दिक्कत हो जाएगी। तो आसानी से ये डिस्क मशीन निकाल लेना, और ये ख्याल रखना है कि जो इसका हैंड ब्रेक लीवर है वो ना दबाएं। हैंड ब्रेक लीवर है ना दबाएं, अगर घर पे आप अगर कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक लीवर ना दबाएं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पिन रहती है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पिन रहती है, यहाँ पर दो लॉक दिए हैं। इन लोगों को मैं निकाल लूँगा, सबसे पहले इन लोगों को निकाल लूँगा मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लॉक बहुत आसानी से निकल चुके हैं, और इस पिन को फिर मैं निकाल लूँगा। ठीक है, ये पिन भी मैंने निकाल दिया, इसमें दो होल रहते हैं। और अगर डिस्क पैड की बात करते हैं, हम डिस्क पैड हमारा ठीक है, घिसा भी नहीं है और अच्छा पैड है, कंपनी का पैड है, ये दोनों ही पैड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पैड मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं है। यहाँ पर पत्ती आती हैं, अगर आप मिस्त्री हो और आपको पता होगा कि यहाँ पर दो पत्तियाँ आती हैं, तो यहाँ जिसने पंचर खोला था और ये पहिया खोला था, उन्होंने पत्तियाँ आके गोल कर दी हैं। तो फिलहाल पत्तियाँ देखनी पड़ेंगी दोस्तों, कौन सी पत्तियाँ आएंगी इसमें। तो मशीन काफ़ी पड़ी है मेरे पास पुरानी। तो दोस्तों दो पत्तियाँ मुझे मिल चुकी हैं, तो ये पत्तियाँ फिट करके देखते हैं आती हैं नहीं आती हैं। तो कैलिपर आपके सामने है। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कई बाइकों में क्या होता है दोस्तों, दो पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, दो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। तो लेकिन आगे ना लगा के पीछे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, पीछे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इसकी एक्सपीरियंस तड़ होती है, जो ताकत देती है जो पीछे वाली पत्ती, वो इन पैडों को टाइट बना के रखती है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, पीछे वाली पत्ती लगा के देखते हैं। तो पत्ती का खांचा ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक निशान दे रखा है, एरो बना रखा है, तो एरो का निशान हमारा आगे रहेगा ना कि इस साइड को रहेगा। ठीक है, तो मैं पत्ती को बैठा देता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, पत्ती हमारी इस तरीके से बैठ चुकी है और एरो का निशान आ गया है। तो फिलहाल हम पैड फिट करते हैं। तो अंदर की पत्ती हमने फिट कर दी है और लीवर हमने नहीं दबाया था। अगर आप अगर बैठाना चाहोगे तो इतना गैप रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना गैप रहना चाहिए। बाई चांस आपने अगर लीवर दबा दिया तो यहाँ का जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन बाहर आ जाते हैं और ये जो चीज़ें इस तरीके से चिपक जाती है। जब ये चिपक जाती है तो क्या करना पड़ता है, हमने फिर ये पिस्टन, यहाँ जो पिस्टन है इनको बिठाना पड़ता है, तब जाके ये गैप आता है। ठीक है, वैसे आप लीवर ना दबाएं, अगर आप घर पर बना रहे हैं तो लीवर विशेष करके ना दबाएं। जैसे कि मैंने बिल्कुल अच्छी तरह बैठा दिया है, इस तरीके से बैठ गई है। जो हमने बोल्ट खोले, इस तरीके को बोल्ट हमने लगा देते हैं। और क्या करना है दोस्तों, जब बोल्ट लगाते समय हल्का टाइट करना है, फिर हमने दूसरा लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने एक बोल्ट टाइट कर दिया, फिर टाइट करने के बाद में दूसरा बोल्ट लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर आउट हो जाता है। इसको गोटी से हमने टाइट कर दिया, जैसे कि अभी मैंने शुरू वीडियो में कहा था कि अगर आपके पास गोटी नहीं है तो आप इसको पाने से भी खोल सकते हो, 12 नंबर का पाना जो है उससे भी खोल सकते हो। चाबी से थोड़ी दिक्कत होगी, चाबी से हमारा जो इसके थड होते हैं वो थड बेकार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ताकत लगाने से खोलना पड़ता है इनको। तो अभी देखते हैं इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो कभी भी अगर आपकी बाइक पंचर वाले के यहाँ खुलाते हो तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दो, पत्तियाँ गोल ना हो। अगर यहाँ मेरे पास अवेलेबल थी पत्तियाँ, मिल गई, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मशीन हमने फिट कर दी है और अब चेक करते हैं कि आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।